13 फरवरी से शुरू हुई किसान आंदोलन अपने 8वें दिन भी जारी है। किसान दिल्ली आने की जिद पर डटे हुए हैं। कई दौर की बातचीत में भी कोई हल नहीं निकल रहा। केंद्र सरकार की तरफ से 5 फसलों पर MSP लागू की बात को किसानों ने ठुकरा दिया है और अब ट्रैक्टर मार्च का ऐलान भी कर दिया है। सुनिए किसान नेता क्या कहते हैं। मनजीत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है, कल 20 तारीख को शाम तक रात तक बड़ी संख्या में कैसे भी मजदूर किसान साथी इन बॉर्डरों पर पहुंचो, इन बॉर्डरों को मजबूत करो। आगे की जो भी रणनीति होगी कल रात को तय करके हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और जो किसान मजदूर मोर्चा है दोनों फॉर्म मिलकर करेंगे, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि ये जो सरकार है बिल्कुल, मैं हरियाणा से तो हरियाणा की बात बताता हूँ, गांव का गांव से लिंक तोड़ दिया है, इंटरनेट बंद है, बच्चों के पेपर हैं, बिल्कुल आप लोगों को भी बहुत सारी दिक्कतें करनी पड़ती है। आप यहाँ रिकॉर्डिंग करके साइड में जाके भेजते हो, कई बार खबर लेट जाती है, उससे भी जो है मिस कम्युनिकेशन से बहुत भ्रम पैदा हो रहे हैं। तो हम यही अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम देश के किसान हैं, अपनी बात को अपने देश के अपने ही प्रधानमंत्री से मानी हुई मांगों को मनवाने के लिए जा रहे हैं। हमारा रास्ता खोलते हैं, हमें दिल्ली भेजें और नहीं तो हमारी मानी हुई मांगों को लागू करें, तो इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है, नहीं तो दिल्ली कूच का जो प्रोग्राम है वो जारी रहे। तो हरियाणा के DGP का बयान आया है, वो ये कह रहा है कि भाई हमने कहीं पे भी बल प्रयोग नहीं किया, हमने कहीं पे भी अथरु गैस नहीं छोड़ा, हमने कहीं पे भी कुछ नहीं किया। लेकिन आप सबके पत्रकारों के माध्यम से पूरे संसार को इस बात का पता चल चुका है कि वहां पे बॉर्डरों पे 3 दिन कैसे लोगों को जख्मी किया गया, टारगेट किया गया। बता दें कि आज किसान आंदोलन के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने किसान आंदोलनकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि हाईवे पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लेकर ना जाएं। इसके लिए अदालत ने उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के नियम भी याद दिलाए। कोर्ट ने ये कहा कि अधिकार की बात हर कोई करता है लेकिन संविधान के कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। वहीं विपक्षी पार्टियां खुलकर किसानों का समर्थन करती दिख रही हैं। कल 21 फरवरी है, बड़ा एक महत्वपूर्ण दिन है। पंजाब में 21 फरवरी 1924 में जैतोदा मोर्चा, बड़ा मशहूर एक इवेंट है जो मनाया जाता है, जब अंग्रेजों ने किसानों पर गोलियां चलाई, सिख किसान थे, और काफी लोगों को मार दिया या घायल कर दिया था। नेहरू जी को ये बात पता चली, तुरंत वहां गए, अपना समर्थन दिया किसानों को, और बड़ा अच्छा नेहरू जी ने किसानों पर उस वक्त लिखा था। मुझे लगता है क्योंकि नेहरू जी पे तो विशेषज्ञ हैं आजकल नरेंद्र मोदी, ये जो जैतोदा मोर्चा है, कल उसकी 100 साल पूरे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी जी को नेहरू जी की शरण में जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए नेहरू जी ने जैतोदा मोर्चा पर जब गोलीबारी हुई तो क्या बोला। बहरहाल इन सबके बीच किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली आने की जिद में डटे हुए किसान MSP की मांगों पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही उनकी कई मांगे हैं जिसे लेकर उनका कहना है सरकार ने साल 2020 में जो वादे किए थे उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। इसी को लेकर 13 फरवरी से किसानों ने पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच कर दिया था।